स्वागत है भाई फिर से एक बार आपको और अब अगले चार स्टॉक्स पर चर्चा की जाए तो सातवां स्टॉक है लॉरस लैब इसको रेड में लेके चले यार भाव इसका करंट दिखाओ ढाई सौ रुपये का टारगेट दे रही हैं जेफ्रीज वाले इसे कल एक को और कोई चार हाँ परसों एमसीएक्स का अच्छा रिजल्ट था उसके बाद उसका किसी ने टारगेट दो हज़ार दिया था पेटा लेकिन कल फिर वो बदला लिया उसने का आठ नौ परसेंट ऊपर था कल तो पता नहीं क्या होगा लेकिन लॉरेंस लैब का टारगेट इन्होंने दिया ढाई सौ इनका ये कहना है कि अपने मिस कर एक बार फिर वाले धंधे में दूसरा इन्होंने बहुत सारे अपने जो प्रोजेक्ट चला रखे हैं जहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं ये प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हैं उसमें उसको फंड करने के लिए लोन बहुत लिया है उन्नीस सौ करोड़ से बढ़ के ढाई हजार करोड़ हो गया तो एक वो भी एक चिंता की बात है कि बहुत सारे लोन उन्होंने ले रखे हैं हालांकि एनुलाइज बेसिड पे आप देखेंगे तो उसके नंबर बुरे नहीं है तब तो ठीक दिख रहे हैं लेकिन क्वार्टरली नंबर कम है तो शायद ये इसीलिए चिंता जता रहे हैं जयफ्रीज वाले और ये कट कर रहे हैं एस्टिमेट अपने पच्चीस और छब्बीस फाइनेंशियल ईयर के लिए पंद्रह परसेंट और तीन परसेंट क्योंकि उनको लगता है सी डी एम ओ सेल्स काफ़ी नीचे रहेगी तो इसको ढाई सौ को टारगेट दें इसलिए इसको रेड में रखें अब अगला आता है नेस्ले इसका रिजल्ट तो अच्छा बता रहे थे आशीष जी कल लेकिन मोगेन स्टैलिक को पसंद नहीं आया रिजल्ट तो अच्छा था अच्छा था ना पहले झटका खाया लाल में गया मैं भी कंफ्यूज हो गया उसके बाद सेकंड हाफ में फिर खींच दिया खींच दिया लेकिन मोगेन स्टैलिक इससे संतुष्ट नहीं हुआ कन्विंस नहीं हुआ उसने अंडरवेट की कॉल दी टारगेट दिया उन्नीस सौ उन्होंने ये बहुत सारी चीज़ बताया कि कंपनी की अर्निंग्स हमारे कंसेंसस एस्टिमेट से नौ दस परसेंट ज़्यादा थी लेकिन हेडवेंट्स हैं ये तो खैर नारायण जी, जी जो इनके एम डी सी ओ हैं उन्होंने काफ़ी दिन से वो कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है महंगाई बहुत है महंगाई बहुत है दूध की महंगाई चीनी की महंगाई और जो जो कुछ ये बनाते हैं सबके इन्फ्लेशनरी प्रेशर है इसलिए आगे दबाव रह सकता है तो इसको रखते हैं रेड में हालांकि वो कह रहे हैं कि दो नए ये जो नए इनिशिएटिव ले रहे हैं अनाउंस करिए एक पॉजिटिव है

चौथी तिमाही मैं एक हमेशा एनोलाइज करके देखना बट एनोलाइज बेसिस पर देखोगे तो बम्पर मुनाफा है और बम्पर रेवेन्यू है तो इसको ध्यान में रखिएगा इंस्टेंट रिएक्शन इस, इस पर आया है रिजल्ट पे तो इसको मैं रख के चल रहा हूँ ग्रीन पे और आखिरी स्टॉक जो है गेल रखना चाहिए आ, गेल पे याद होगा कुछ दिन पहले एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट भी आई थी ढाई सौ रुपये का टारगेट दिया था गेल गेल ग्रेजुअली जो है ना बहुत ही कंसॉल्यूशन के मोड में जा रहा है और जैसे जैसे गैस को लेकर के सरकार के प्लान अनवील हो रहे हैं तो ये मैक्सिमम बेनिफिशरी हो रहा है तो, तो, तो गेल को ग्रीन में रख के आप चलना चाहिए चलिए भाई अब आखिरी के स्टॉक्स डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे लेकर आइए के, के सारे मैं जा रहा हूं पहले तो आज की बोर्ड बोर्डमीट्स के साथ अपन ने बातचीत कर रखी है इन स्टॉक्स के बारे में जब अनाउंसमेंट्स आए थे तो ये ध्यान रखिएगा कि वो पता है अपने को कि आज वो बोर्डमीट होगी आउटकम अवेटेड है ग्रीन रख रहा हूं ऐसे तीन स्टॉक्स एमी ऑर्गेनिक्स लगी उस अपडेट के बाद से बहुत ज्यादा तेजी आई नहीं देखते है देखते हैं आज क्या अनाउंसमेंट आता है दरअसल कंपनी का मैनेजमेंट बोर्ड सॉरी फंड रेजिंग विचार कर रहा है और वो फंड रेजिंग होनी है ऑफ शेयर्स के थ्रू तो खैर बहुत चला हुआ स्टॉक है लेकिन शायद चला है इसीलिए याद आ रहा है स्प्लिट कर रहे हैं स्टॉक को तो रिजल्ट आने रिजल्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे स्प्लिट अपनी जगह लेकिन आज शायद कंसिडर करेंगे स्टॉक स्प्लिट ग्रीन रखा मोतीलाल ओसवाल अगर पीयर्स वगैरह इवन वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के नंबर देखूं तो शायद नंबर्स तो डिसेंट होने चाहिए देखते हैं कैसे होंगे लेकिन साथ में बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी का बोर्ड विचार कर रहा है तो उस आउटकम से पहले तीनों ही स्टॉक्स ग्रीन रखे हुए हैं और फाइनली एक हर्षा इंजीनियर्स इंटरनेशनल कल लार्ज ट्रेड हुआ अमेरिकन फंड इंश्योरेंस ने माल छोड़ा वो डिटेल स्क्रीन पर आ जाएंगे और प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने कल सात लाख तीस हजार 7 के आसपास सेवन लाख ट्वेंटी नाइन थाउजेंड कह लीजिए शेयर्स एक्वायर करें ग्रीन ले लिया है मैंने इस नोट पर दस दस स्टॉक्स पूरे क्विक छोटा सा ब्रेक ब्रेक के उस पास जब लौटेंगे तो टीम्स का एक क्विक रैपअप